नमस्कार। मोदी सरकार ने दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही रोजगार के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला किया। रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने पूरे देश में सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। सरकार के इस कदम से रोजगार और लोगों की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी सामने आएगी। इससे सरकार को ठोस योजना बनाने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, असंगठित क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। देश के 27 करोड़ घरों और 7 करोड़ छोटी दुकानों का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा, 6 महीने में पूरा होगा। रेहड़ी, रिक्शा चालक और छोटी दुकान जैसे रोजगार का भी आर्थिक सर्वेक्षण होगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का आर्थिक विकास किया जाएगा। सर्वेक्षण से असंगठित क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। असंगठित क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश में असंगठित क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा। रेहड़ी, रिक्शा चालक और छोटी दुकानदारी करने वालों का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। 2013 के बाद जनसंख्या सर्वेक्षण में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के हालात की जानकारी ली जाएगी। सर्वेक्षण से ये पता किया जाएगा कि असंगठित क्षेत्र में कितने रोजगार हैं। 6 महीने में रोजगार और उनके हालात की तस्वीर साफ होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीएमओ के बाद गृह मंत्रालय सबसे ज्यादा एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्रालय संभालने के बाद मिशन मोड में गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्रालय में अमित शाह की बैठकों का दौर लगातार जारी। आज छुट्टी के दिन भी गृह मंत्रालय में अमित शाह ने बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने गृह सचिव से नक्सल समस्या पर चर्चा की। कश्मीर, आंतरिक सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा पर भी जानकारी ले चुके हैं अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह नॉनस्टॉप मिशन मोड में हैं। पद संभालने के बाद लगातार पांचवें दिन गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। आज छुट्टी के दिन भी गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नक्सल समस्या पर चर्चा की गई। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों और उनके चल रहे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी हासिल की। इससे पहले अमित शाह कश्मीर के मुद्दे पर 3 बार बैठक कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ऐलान से पहले ही विरोध शुरू कर दिया है। आज ईद के मौके पर भी ममता बनर्जी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स करती नजर आईं। कोलकाता में ईद की शुभकामनाएं देने पहुंची ममता ने इशारों इशारों बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा हमला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में डर कर नहीं लड़कर जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज ममता बनर्जी ने कहा, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, टीएमसी नेता की हत्या की गई। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता को गोली मारी गई, बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने विरोधियों को मुकाबले की सीधी चेतावनी दी। ममता ने कहा है, बंगाल में डर कर नहीं लड़कर जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो डरते हैं वो मरते हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आप लोग सब साथ में हैं तो देखिए हम लोग भी हर लड़ाई में कैसे लड़ते हैं। हम लड़ेंगे, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वही कामयाबी होता है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि टीएमसी की गुंडागर्दी पर शर्म आती है। शर्म आती है कि जब भी हम सुबह किसी को मिलते हैं, भले वो सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, सब बंगाल की वायलेंस के बारे में बात करते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली स्टेट सब्जेक्ट। जो घटिया पॉलिटिक्स हम बंगाल में देख रहे हैं, मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन या क्वेश्चन उस तरफ जाएगी। वहीं कोलकाता के दमदम इलाके में टीएमसी के वार्ड प्रेसिडेंट निर्मल कुंडू की हत्या की गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। टीएमसी ने हत्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के घरों की तलाशी ली है।